सहकारिता मंत्री 20 पॉइंट प्रोग्राम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, पर्यटन राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर जी, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेंद्र जी, भरतपुर के सांसद श्री बहादुर सिंह जी और भरतपुर के विधायक, नगर के विधायक, कामा के विधायक, बयाना के विधायक और भरतपुर के जिला प्रमुख, भरतपुर के महापौर शंभू जी, अध्यक्ष खादी बोर्ड के, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रहलाद जी और हमारे जिला अध्यक्ष भानु प्रताप जी, भाजपा के और सभी मोर्चों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सब यहाँ इतनी संख्या में इस गर्मी के अंदर उपस्थित हुए हैं। मेरी माताएं बहनें सबको प्रणाम पहले, और आप सब भाई और बुजुर्गगण, आप लोग सबको मेरा बहुत बहुत हृदय की गहराई से आप सबको धन्यवाद और आप सबका स्वागत कि आज के दिन आप ये 13 दिसंबर के जो हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पे दौरे करके जनता के बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम किया है, उसमें आप लोग भी यहां हम लोगों के बीच में आए हो, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। शुरुआत तो वैसे यहां गिरिराज महाराज की जय से होनी चाहिए, तो एक जोरदार मेरे साथ नारा, गिरिराज महाराज की, जो भी काम होता है उनके आशीर्वाद के साथ, जो भी काम सक्सेसफुल होता है वो भी उनके काम के उनके आशीर्वाद के साथ, और उनके साथ साथ बांके बिहारी जी और उनके साथ साथ गंगा महारानी जी और लक्ष्मण जी, इन सब के आशीर्वाद से ये पवित्र ब्रज भूमि, इन सबको प्रणाम मैं आज करना चाहती हूं, क्योंकि यही ऐसी एक भूमि है जहां से आशीर्वाद लेके कोई भी आगे बढ़ता है तो वो फेल तो होता नहीं। इसलिए आप सबको मैं महाराज सूरजमल जी की भी याद दिलाना चाहूंगी, जिनके आगे मैं अपना सिर झुकाना चाहती हूं, और ये याद आप सबको दिलाना चाहूंगी कि भरतपुर ने अपनी पहचान सिर्फ प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर बनाई है। सब लोग जानते हैं नाम दुनिया के अंदर लोहागढ़ किले का, सब लोग जानते हैं दीप के महलों का, और दीप के किला ये भी आपकी नाक है, और मैं समझती हूं कि यही राजस्थान के अंदर ही नहीं है, पूरे देश के अंदर ही नहीं है, दुनिया के लोग भी यहां आके उसको देख के जाते हैं। मैं समझती हूं यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज। पिछली सरकार के समय आप लोग सबने हम पे आके ये कहा था कि हमारे भरतपुर जिले को संभाग हेडक्वार्टर बना दो, आप लोगों ने मांगा था, और हमने भी सोचा कि यहां से वहां तक जरूर जाना पड़ता है लोगों को, तो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लिए अपन भरतपुर को संभाग हेडक्वार्टर बनाने का, मुख्यालय बनाने का काम करेंगे, जो आज के दिन ये मुख्यालय बना हुआ है। सरकार कैसे और कैसे आई वो आप लोगों के बिना नहीं आ सकती थी। मुझे याद है कि उस साल में जब सुराज संकल्प यात्रा हम लोगों ने निकाली और उसके बाद चुनाव हुए, उसमें भरतपुर की जनता ने सड़क पे आके पूरी तरह से आशीर्वाद देके और जोरदार तरीके से हम लोगों को जिताने का काम किया है। मैं आप लोग सबकी बहुत बहुत आभारी हूं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम लोग आपके सामने अगर हैं तो सेवक के रूप में, राजा के रूप में नहीं। और आज मैं आपको ये धन्यवाद देते हुए सब लोगों को ये कहना चाहती हूं कि 3 साल के अंदर भरतपुर के अंदर करीबन 4000 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं, जिसके बारे में अभी आप लोगों को मैं कुछ जायजा बताना चाहूंगी। वैसे 3 साल बहुत कम समय होता है भाइयों, और अगर आप देखोगे तो हमारे 3 साल कांग्रेस के 5 साल, अगर उनको तराजू में तोलोगे तो आप ये देखोगे कि 3 साल में जो काम हुआ है वो 5 साल में भी ये लोग नहीं कर पाए। आज बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल की परिस्थितियों से निकलते हुए भी हम लोगों ने प्रगति का रास्ता पकड़ लिया है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जो प्रदेश बिल्कुल नीचे था, आज भगवान की दया से और आप सबके आशीर्वाद से अग्रणी प्रदेश बनने में बहुत ऊंचा पहुंच गया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप लोगों ने साथ दिया, और मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूं कि वैसे 3 साल बहुत कम समय होता है, अगर आप मध्य प्रदेश को ही देख लो और 3 और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों को देख लो, तो आप ये देखोगे कि 15 साल आपने दिए और वह कायाकल्प हो गया है। मैं ये विश्वास करती हूं कि आप इसी तरीके से हमारा साथ देते रहोगे तो बदलाव लाने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। किसी ने मेरे से ये पूछा
कि आप क्यों रिपोर्ट दे रहे हो। मैंने सबको वायदा किया था कि हम आपके बीच में जब आएंगे तो खाली अच्छे मौके पे नहीं जब हम फीता काट के चले जाएंगे, परंतु हर साल हम आपके बीच में आके आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि 3 साल में 2 साल में 1 साल में हमने क्या काम आपके लिए किया है। और मैं आज आपको ये बताना चाहती हूं कि भाजपा ने लगातार यहां सेवा की है और प्रगति पथ पे चलने का काम अब काम चल पड़ा है। हमने ये कोशिश की कि जो आदमी बिल्कुल आखिरी खड़ा हुआ था, गरीब से गरीब व्यक्ति, उस तक हम कैसे पहुंच सके। आपको ये बता दूं कि जब सरकार हाथ में आई तो करीबन 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हमारे कंधे पे आया। सिर्फ बिजली ही बिजली के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा हम लोगों ने उठाने का काम किया है। और ये विरासत में सब कुछ मिलने के बाद भी 3 साल के बाद आज ये परिस्थिति हो गई है कि कौशल विकास के अंदर 2 बार हम लोग पहले माने पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पाए। भामाशाह योजना के अंदर हमको अब गोल्ड मेडल मिला है। कैशलेस इकोनॉमी के अंदर अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने 5 ऐसे जिलों को मैंने वो किया था जिसमें से अजमेर एक है। और खानों की नीलामी, सौर ऊर्जा, राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा भरपूर नेटवर्क पूरे राजस्थान के अंदर, इन सब तीनों चीजों के अंदर प्रथम हम लोग आए हैं। राशन की दुकान, अन्नपूर्णा का भंडार, इसको विकसित करने में प्रथम आए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि पर्यटन के अंदर भी आज जोधपुर पूरे एशिया के अंदर 10वां ऐसा एक बहुत बड़ा जगह है जहां पर्यटक देखने के लिए, पर्यटन के लिए यहां लोग आते हैं। स्वच्छ भारत के अंदर शौचालय निर्माण में नंबर 1 वो है राजस्थान। और हमारी सब योजनाओं के अंदर 36 के 36 कौम को हमने साथ लेके और 36 के 36 कौम का भला करने का, उनके विकास करने का काम हम लोगों ने मिलकर किया है। योजना आम जन तक पहुंचे, योजना बच्चे से लेके वृद्धावस्था तक किस तरीके से हम आप तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो चाहे वो सरकार आपके द्वारा हो, जो हमने भरतपुर से चालू किया था जिसमें आज 3 लाख आवेदन थे, जिसमें से 3 लाख 15 हजार थे, जिसमें से करीबन 3 लाख आवेदनों को हमने 3 साल के अंदर पूरा कर दिया है। आपकी जिला, आपकी सरकार ने खुद जाके 5-5 3-3 दिन एक एक जिले में रहती हूं, वहां 10 जिलों का काम हम लोगों ने आज तक पूरा कर दिया है। न्याय आपके द्वार, लोगों ने हमको बताया कि हम लोगों को बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है, बार बार में कोर्ट कचहरी नहीं जिला एडमिनिस्ट्रेशन के यहां भी हमको जाना पड़ता है। हम लोगों ने सबको उनके द्वार पर पहुंचाने की कोशिश की। और मैं खुशी से आपको कह सकती हूं कि भरतपुर जिले के अंदर 2 साल के अंदर 4,85,000 जो प्रकरण थे उनका निस्तारण करने का काम हम लोगों ने किया है, जो आज तक मैं समझती हूं कि अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ अभी आपके पंचायत के जो शिविर चल रहे हैं, मैं सबको कह रही हूं कि आप लोग अपने पंचायत शिविर के अंदर जाइए, उस पंचायत शिविर के अंदर छोटे छोटे काम आपके उनको पूरा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, मैं एक चीज के बारे में आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा, बीपीएल गरीब परिवार के लिए है। और हमने चाहे वो राशन कार्ड के द्वारा हो, चाहे बहुत सारे बीपीएल के कार्यक्रम हो, वो गरीब से गरीब आदमी के लिए हम चाहते हैं कि वो छोटे से छोटे काम उन तक पहुंचाया जाए। आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार आई थी तो 2 या 2.5 किलो मुश्किल से आप लोगों को गेहूं मिलता था। आज जो परिस्थिति हो गई है जहां 5 किलो मिलने लगा है, और वो इसलिए मिलने लगा है कि बहुत सारे बीपीएल परिवारों को वहां से जो लोग नहीं थे और जो नहीं होना चाहिए था उनको हटाने का काम मैंने किया है। मैं आज आप लोगों को यह कहना चाह रही हूं कि बीपीएल के परिवार में अगर ऐसे लोग हैं जिनको नहीं होना चाहिए तो वो अपने आप अपने स्वेच्छा से हट जाएं, नहीं तो हम फिर से एक दफा और देखने वाले हैं। और जो लोग वो पदों के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोगों ने अपना नाम बीपीएल परिवार के अंदर लगाया है उनको फिर हटाने का काम जबरदस्ती के साथ हम करेंगे, ताकि गरीब आदमी तक जो पहुंचना है वो पहुंच सके। तो मैं पहले से ही सबको आगाह कर रही हूं कि मेहरबानी करके आप लोग उसमें से अगर अलग हो जाते हो तो बहुत स्वेच्छा से, अगर अलग हो जाते हो तो बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो जाएगा और उसमें आपका भी नुकसान नहीं। साथ साथ मैंने ये कह दिया है कि आज अगर 3 लोगों को 5 किलो मिल रहा है तो कल को अगर ऐसे लोग हट जाएंगे तो ऐसे लोग जो बाहर रह गए हैं बेचारे,
उन लोगों को अंदर लाने का हम काम कर लेंगे तो आने वाले समय के अंदर उन लोगों को भी 5 किलो अपने घर ले जाने के लिए मिल जाएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं कि इस चीज के ऊपर आप लोग बड़े जरूर ध्यान दीजिए। भामाशाह योजना के बारे में तो आपको सबको मालूम है, माताएं बहने की स्कीम तो हमने आपके लिए बनाया, बीपीएल की हमारी जो महिलाएं हैं उनको परिवार का मुखिया बनाया और मुखिया बना के 2 साल के अंदर 1000 रुपए फिर 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम किया और हमने ये कोशिश की कि सरकार के अंदर से जो भी पैसा आता है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट के अंदर चला जाए। और पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश अग्रणी का था तो वो था राजस्थान प्रदेश। आज राजस्थान प्रदेश के अंदर 1,34,00,000 परिवार ऐसे हैं जिनको इसकी मदद मिल रही है और उसका मतलब ये हुआ कि 4 करोड़ मैंने ये समझो 5 करोड़ तक हम लोग पहुंच गए हैं जनता जिसके पास इसका फायदा अब मिलने लगा है। भरतपुर के अंदर आज 5,50,000 ऐसे लोग हैं, परिवार हैं और करीबन 20 लाख लोग हैं जिनको इसका फायदा मिल रहा है। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूं कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आपको ये ध्यान मालूम में आ जाएगा कि 23,000 से ज्यादा अब माइक्रो एटीएम जगह जगह पे लगे हैं, वो सबसे ज्यादा है देश के अंदर। जब आप अखबार में ये सब पढ़ते हो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा माइक्रो एटीएम लगे हैं, ई मित्र केंद्र 40,000 से ज्यादा है जो पूरे देश के अंदर नंबर एक है, 70 विभाग और 270 ऐसी सेवाएं हैं जिसको हमने डिजिटल करने का काम कर दिया है और माइक्रो एटीएम और पॉस मशीन का वैट हमने माफ कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि आप आराम से उन मशीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने ये भी कह दिया है कि किसी भी ई मित्र ने अपने दीवार के ऊपर जो सर्विस वो लोग दे रहे हैं, जो आप लोगों को सेवा दे रहे हैं, अगर उस सेवा का दाम उन्होंने नहीं लिखा तो ऐसे का आप मेहरबानी करके तस्वीर लेके हम तक पहुंचा दीजिए, उसकी इंक्वायरी नहीं उसको हटाने का काम ये सरकार करेगी। हमने सबको कह दिया है कि ये ई मित्र हो चाहे अटल सेवा केंद्र हो, ये सब लोग आपकी सेवा के लिए वहां तैयार बैठे हुए हैं और इनकी ओर से सेवा आप लोगों को मिलनी चाहिए, ये फायदा आप लें। अगर आपने ऐसा कुछ देखा तो हमें जरूर बताएं, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी। चिकित्सा के अंदर हम लोगों ने आज 295 पीएचसी आदर्श पीएचसी कर दिए हैं जिसमें से 10 आदर्श पीएचसी हमारे भरतपुर के अंदर हैं। 8 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और उनको तो 7 उधर छोड़ दीजिए परंतु 8वां आपके यहां है जिसका काम बड़े तेजी से चल रहा है, उसकी तस्वीर भी अगर आप यहां जाओगे प्रदर्शनी में तो देखने को मिल जाएगा। मैं समझती हूं कि आने वाले 2-3 साल के अंदर एक बहुत सुंदर मेडिकल कॉलेज भरतपुर का यहां खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, भाइयों इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर ये आज हम लोग भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना सबको दे रहे हैं। मैं अभी अभी एसएमएस हॉस्पिटल में गई थी, मैं जब एसएमएस हॉस्पिटल में खड़ी थी तो किसी ने मेरे कंधे को हाथ लगाया पीछे से, मैं सोचा कौन है, देखा मैंने पीछे तो एक महिला खड़ी थी। उस महिला ने मेरे से ये कहा मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, आपको नहीं याद आएगा समझ में भी नहीं आएगा कि मेरी जान और मेरे हस्बैंड की जान किस तरीके से बची। कल शाम को उनको हार्ट अटैक हुआ और मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहां जाऊंगी, कैसे अस्पताल ले जाऊंगी, पैसे नहीं थे। मैंने अपना कार्ड लेके उनको तुरंत जाके एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि मेरे उस कार्ड के ऊपर 1 पैसा बिना दिए 8 घंटे का ऑपरेशन करके फ्री में मेरे हस्बैंड की जान वापस ले दी। ऐसे कई केसेस हैं हमारे राजस्थान के अंदर और मैं आपको बताना चाहती हूं कि 30,000 रुपए से लेकर 3,00,000 रुपए तक आपको ये बीमा के अंदर पैसा मिलता है। ये किसी भी स्टेट के अंदर नहीं मिलता है, सबसे ज्यादा अगर कहीं मिल रहा है तो वो राजस्थान के अंदर मिल रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल गए हैं। 1,171 पैकेज बने हैं अलग अलग बीमारियों के और वो अलग अलग बीमारियों के पैकेजेस के अंदर आप कहीं फिट होते हो, खुदा ना खास्ता आपको कभी आगे चल के जरूरत पड़ी तो उस कार्ड के ऊपर आप अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के खुद की आप इलाज करवा सकते हो। इसी तरीके से हम लोग एक ई हेल्थ कार्ड भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये चाह रही हूं कि ई हेल्थ कार्ड का ये जो 2-3 चीजें वो भी हमारे भामाशाह कार्ड पे आ जाए। आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे।
हम चाहते हैं कि आपके भामाशाह कार्ड के ऊपर अगर कहीं ट्रॉमा हो गया, कहीं एक्सीडेंट आपका हो गया, तो उसी कार्ड के ऊपर हमें ये मालूम हो जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है कि बी है कि ओ है, वो आपको उस पे से मालूम पड़ जाएगा। क्या आपको कोई एलर्जी है? अगर आपको कोई पेनिसिलिन से एलर्जी है या किसी दवाई से एलर्जी है तो वो एक मिनट में वहां मालूम पड़ जाएगा। आपको और कोई बीमारी है, क्या आपको कैंसर है या आपको डायबिटीज है या आपको हार्ट की बीमारी है, वो भी उससे मालूम पड़ जाएगा। और ये तीन चीज अगर मालूम हो जाते हैं तो इमीडिएटली और बहुत ही जल्दी ट्रॉमा का इंतजाम भाई के वाली हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि घंटे निकल जाएंगे सब टेस्ट कराना। ये भी हम चाह रहे हैं कि आपके भामाशाह कार्ड के ऊपर आ जाएगा, और ये आज दिन तक किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं एक और नया चीज हम लोगों ने किया, हमने 25,000 उचित मूल्य मैंने राशन की दुकानें राजस्थान के अंदर, जब हमने सुराज संकल्प यात्रा की थी तो मैं कहीं डिस्ट्रिक्ट से निकली थी तो वहां निकलते निकलते मैं देखा कि काला सा कमरा, उस कुठरिया के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ बोरी ले लेके बाहर फेंक रहा, और जो लोग लाइन में लगे हुए हैं एक एक करके अपनी बोरी उठा के जा रहे। हमने पता किया कि ये है क्या, क्या हो रहा है यहां। उन्होंने बताया ये राशन की दुकान है। मुझे शर्म के मारे देखने को, मैंने कहा कि हमारे आदमियों के इस तरीके से व्यवहार करते हैं लोग, अब इज्जत के साथ राशन की दुकान के अंदर हम लोग एक ऐसा इंतजाम करेंगे पॉस मशीन को इस्तेमाल करते हुए, हमारी सब राशन की दुकानों के अंदर पॉस मशीन हो गई है, और 25 में से 5,050 राशन शॉप्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमने एक छोटी सी दुकान और लगा दी है जिसका नाम अन्नपूर्णा भंडार है। अब आप जब अन्नपूर्णा भंडार में जाओगे तो आप पॉस मशीन के ऊपर अपना उंगली लगा के जितना राशन निकालना चाहते हो उतना निकाल सकते हो। अगर आपने कहा, याद होगा आपको वो जमाना जब किताब आपकी कोई रख लेता था, और जब आप दूसरे दिन जाते थे अपना राशन लेने के लिए तो बोलता था कि अपने पास राशन नहीं है, या बोलता था आया नहीं है। आज ये नहीं कर पाएंगे। आज आप अपनी उंगली लगा के या कार्ड लगा के आप आराम से उसमें से 5 किलो ले सकते हो, 2 किलो ले सकते हो शक्कर, और जब आप बाहर निकलोगे तो आपके फोन के ऊपर आ जाएगा कि आपने 5 किलो लिए हैं, अब आपके इतने सारे किलो और बाकी बचे हुए हैं, या आपने 2 किलो शक्कर लिया है तो आपके 3 किलो या 4 किलो शक्कर अभी पड़े हुए हैं। मैंने आपके साथ कोई छल कपट आपके राशन के साथ तो नहीं कर पाएगा। पहले वो बाजार में पहुंचता था, अब बाजार में नहीं पहुंच पाया। ये आपके 5,000 दुकानों के अंदर ही नहीं, पूरे राशन की दुकानों के अंदर हमने कर दिया। और ये 5,000 दुकान के अंदर जहां अन्नपूर्णा भंडार लगा हुआ है, बिल्कुल बाजू में हमने एक छोटा सा मॉल बनाने की कोशिश की है। इस मॉल के अंदर पैक करके चावल, पैक करके दाल, सफाई के साथ आपको चाय, शैंपू, साबुन, ब्रश, जो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए गांव छोड़ के सिटी में जाना पड़ता था वो अब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको वहीं खरीदने मिल जाएगी। और ये जो आपको मिलेगा वो या तो 10% या 12% जो बाहर मिलता है उससे कम और साफ आपको मिलने का काम हो जाएगा। ये भी किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ भाइयों, ये अपने ही प्रदेश में हो रहा है। इसका फायदा आप लोग उठाइए, और इसके अंदर भी हम लोगों ने यह कोशिश की है कि मार्जिन उन लोगों को मिल रहा है। राशन की दुकान आपके पहले खाली 2 दिन महीने में खुलती थी, अब 30 दिन खुलती है, क्योंकि वो भी पैसा बनाते हैं, सही तरीके से पैसा बनाते हैं, और आपको भी फायदा देने का काम करते हैं। अब हमने इनको कह दिया है कि आपके अन्नपूर्णा भंडार के ऊपर भी जिस तरह से ये बोर्ड लगा है वैसे वो बोर्ड लगेगा, और बोर्ड के ऊपर आप लिखेंगे कि चावल दाल इतना पैकिंग है इतना पैसा, और वो कम 10 से 12% होना चाहिए। अगर किसी भी दुकान के अंदर ये नहीं हो रहा है तो मैं समझती हूं कि उसके अंदर भी एक्शन लेगी सरकार, आप अगर हमको उसके बारे में बताएंगे। अब नया हम लोगों ने एक और काम चालू किया है, अन्नपूर्णा रसोई। हमने देखा कि बहुत सारे लोग शहरों के अंदर आते हैं काम करने के लिए, और बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं रात को, तो हम लोगों ने यह तय किया है कि ऐसी रसोईयां बनाएंगे जिस रसोई के अंदर नाश्ता 5 रुपए के लिए और दिन का भोजन रात का भोजन 8 रुपए का आप लोगों को मिलेगा, साफ सुथरा थाली के अंदर मिलेगा, और जो भी वो गरीब आदमी है उसको आराम से खा पाएगा। ऐसे करके पहले तो 12 डिस्ट्रिक्ट अभी जयपुर में चालू कर दिया मैंने, 2 महीने उदयपुर में चालू कर दिए हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो चालू करूंगी, और आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर
450 ऐसे वैन लगाने की कोशिश करेंगे ताकि गरीब आदमी को कभी भी भूखे पेट सोना नहीं पड़े। ये परिस्थिति भी हम लोग अब कुछ ही दिनों के अंदर करने की तैयारी के अंदर एक कायापलट करने का काम किया है। आज पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें करीबन 95,000 ऐसे स्ट्रक्चर हमने बनाए जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हुआ, ऐसी जगह में इकट्ठा हुआ जब कभी पानी इकट्ठा नहीं हुआ। और अब दूसरे फेज में हम करीबन 4,500 गांवों को फिर से लेना चाह रहे हैं जिसमें करीबन 1,30,000-35,000 स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं जिसमें फिर से इस साल पानी अगर भगवान करेगा तो अच्छी बरसात होगी और इसमें फिर से हम इकट्ठा कर पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपके भरतपुर के अंदर पहले चरण में 51 पंचायत और 152 गांव में हम लोगों ने 1556 काम पूरे किए थे और प्रथम चरण के अंदर बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया ही किया। अब दूसरे चरण के अंदर करीबन 60 ग्राम पंचायत 165 गांव में 1868 काम हम लोग करने जा रहे हैं जिसका फायदा मिलेगा। और अब हम यही कोशिश में है कि आने वाले समय के अंदर शहर के अंदर इतनी सुंदर सुंदर बावड़ियां हैं राजस्थान के अंदर, हमने इनको सबको कहा कि जहां हमारी बावड़ियां हैं उनको ठीक करने की कोशिश करो। तो इस साल भरतपुर और डीग में 17 काम हम बावड़ियों का अपने हाथ लेने का की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि अच्छे अच्छे परिणाम भी इसके आए। बयाना पंचायत के अंदर शाहपुरा गांव के अंदर एक पॉपुलेशन टैंक का हम लोगों ने निर्माण किया तो किसान है जगदीश प्रसाद शर्मा और मोहन सिंह गुर्जर इनके कुएं में जल स्तर 15-17 फीट पर आ गया। मैं छोटा खानी 15-17 फीट। इसी प्रकार वह पंचायत समिति के अंदर लखनपुर के खेड़ा और उसका भी नाम उसका भी है तस्वीरें हैं अगर आप देखोगे उसका भी पॉपुलेशन टैंक। यहाँ समय सिंह गुर्जर, हरबान गुर्जर, विजय राम, मोहन पुत्र नंदा, राम आदि के कुओं के अंदर जलस्तर बढ़ा। और अलवर में कोलिया जोगा गांव में जोहर सुधार का काम हमने किया तो आस के गांव का भी जलस्तर बढ़ गया। मैंने ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हुई है भाइयों और इसमें आप सब लोगों ने जो मदद की है उसमें जितनी भी सराहना करूंगी मैं समझती हूँ कि वो कम है क्योंकि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी की बेहद कमी है। 10% तो हमारा पूरा स्टेट और उसमें 1% पानी और सबसे नीचे टेल पे राजस्थान, पंजाब का टेल, हरियाणा का टेल, यूपी का टेल, आपका मध्य प्रदेश का ठीक है टेल तो नहीं है परंतु गुजरात का टेल, मैंने सबसे अपन टेल में है। तो हम लोगों ने ये कहा कि इज्जत किसी के सामने अपने को हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने पैर पे खड़े होके अपनी मेहनत के साथ अपने इस पानी को सेव कर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और वो हम लोगों ने किया बड़े अच्छी तरह से किया। उसका फायदा इतने सारे गांव को मिल रहा है, इतने सारे लोगों को मिल रहा है, देख के मन खुश हो जाता है। अब पढ़ाई के अंदर भी मैंने सोचा कि भाई सब कुछ काम होगा तो पढ़ाई अगर नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। और फिर मुख्यमंत्री राजकीय योजना हम लोगों ने आगे रखी। उस मुख्यमंत्री राजकीय योजना ऐसी योजना है जिसमें हमने ये तय कर लिया कि इस मुख्यमंत्री राजकीय के अंदर हमारी लड़की वो हमारी अमानत है, वो हमारी लक्ष्मी भी है, हमारी सरस्वती भी है और हमारी लड़की को हम बड़ा करेंगे, पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे और आगे जिंदगी में उसकी क्या मदद कर सकते हैं उस मदद में हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो आगे भी बढ़ नहीं सकती। और इसीलिए हम लोगों ने तय कर लिया जून के महीने से आज जो भी लड़की पैदा होती और ये किसी भी स्टेट में नहीं है, दो के लिए करता है, कोई एसटी के लिए, कोई एससी के लिए करता है, हम लोगों ने करा है कि 2,500 रुपए जब वो जन्मती है, 2,500 रुपए जब उसकी वर्षगांठ होती है, 4,000 रुपए जब वो पहली कक्षा में जाती है, 5,000 रुपए जब वो छठी में जाती है, 11,000 वो दसवीं में जाती है, 5,000 जब वो बारहवीं में जाती है और कुल उसको 50,000 रुपए मिलते हैं जो आज दिन में किसी प्रदेश के अंदर कोई भी नहीं दे रहा है, ये राजस्थान के अंदर हम लोगों को मिल रहा है। मैं समझती हूँ कि ये फायदा हम लोगों को सबको अच्छी तरह से उठाने का काम कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय योजना भरतपुर के अंदर आज 9,000 बच्चियों को फायदा मिल रहा है। 9,000 बच्चियां आपके भरतपुर अकेले में एक बहुत बड़ी बात है भाइयों, इसका फायदा अपने को ले लेना चाहिए। इसी तरीके आदर्श स्कूल हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर ये तय कर लिया कि 1 से लेकर 12 तक का स्कूल हम लोग बनाएंगे और वहां
आपका हेडमास्टर भी होगा वहां, हमारे पूरे बारहवीं के तक अपने भी होंगे, और हो सके तो अपन गेम्स भी दिलाने की कोशिश करेंगे, और आज के समय के अंदर कंप्यूटर का भी इंतजाम करेंगे ताकि बच्चों को पूरा ऑलराउंड एजुकेशन मिल सके। तो अभी 13 से 40 करें, आने वाले समय में 3000 कुछ कर रहे हैं, और जो बाकी बचते हैं वो तीसरे साल में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबने मेरे को कहा पहले साल में, दूसरे साल में तालाबंदी नहीं है तो हम क्या करें। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो स्थिति हमने विरासत पाई वो बहुत ही भयानक थी, परंतु धीरे धीरे हम लोगों ने भर्तियां करवाई, और भर्तियां करवाते करवाते आज हमारे यहाँ 25% का ही मैंने कमी है, और अभी फिर भर्तियां होंगी तो मैं चाहती हूँ कि 10-12% भर्ती हमारी बचेगी, जो हर साल लोग रिटायर कर जाते हैं उसी में निकल जाता है। मैं आने वाले समय के अंदर आपको ये कह सकती हूँ कि स्कूल की शिक्षा के अंदर हमारी बच्चियां ही नहीं, हमारे बच्चों को सुदृढ़ बनाने का, अपने खड़े होने का काम हम लोग मेहनत करके करवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं 10वीं क्लास के रिजल्ट जहां 18% थे वो अब 72% हो गए, और मैं ये भी बताऊं आपको कि 13 लाख बच्चे जो स्कूल छोड़ के प्राइवेट में चले गए थे अब वो वापस हमारे स्कूल्स के अंदर आ गए। ये छोटा काम नहीं हुआ भाइयों, मैं तो चाह रही हूं कि आप हम लोगों की इसमें मदद करिए ताकि अच्छी तरह से स्कूल के अंदर हम लोगों को पढ़ा लिखा सके, क्योंकि जो प्रदेश पढ़ा लिखा है वही प्रदेश आने वाले समय के अंदर बाजी मारे। अब हम लोग ये कॉलेज एजुकेशन के ऊपर ध्यान इस साल हम लोग ध्यान देने वाले हैं। मैं समझती हूँ कि इसको हमने सुदृढ़ कर दिया है, अब उसको भी सुदृढ़ करने का काम इस साल हम लोग अपने हाथ में लेंगे। ITI हमने ये कहा कि कौशल विकास तो तभी हो सकता है, हमारा बच्चा रोजगार कब और कैसे पाएगा। सरकार तो इतनी इतनी सी सरकार के अंदर 1-2 लाख लोगों को अपन ले सकते हैं, तो हर साल तो कितने लेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि मैंने सुराज संकल्प यात्रा के अंदर ये कहा था, और चुनाव से पहले भी ये कहा था कि 15 लाख बच्चों को नौकरी देने का मैं काम करूंगा, और 1 लाख बच्चों को अभी तक हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है, जब कांग्रेस ने 27,000 से ज्यादा दी थी, आज 1 लाख बच्चों को मिल गया है, और 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको कौशल विकास करा के हम लोगों ने अलग अलग जगह के ऊपर सेट करने का काम किया है। अब 4 लाख बच्चों को और करना है, पर मैं मानती हूं कि अगले 2 साल के अंदर उससे ज्यादा बच्चे हमारे इसके अंदर भी लग जाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चों को अगर नौकरी हमको दिलवानी है और चुस्त दुरुस्त स्टेट अगर करना है तो पढ़ाना भी होगा, ITIs के अंदर भी भेजना पड़ेगा। आज ITIs 1870 हमारे राजस्थान के अंदर है, 223 सरकारी हैं जो पूरे देश के अंदर नंबर एक बनाते हैं राजस्थान को, और 1657 हमारे प्राइवेट, और ये प्राइवेट जो है हमको बनाते हैं पूरे देश के अंदर। और आज गोल्ड मेडल हमको 2 साल मिला है, क्योंकि सबसे अच्छा कौशल विकास का कार्यक्रम अगर कहीं है तो वो राजस्थान के अंदर है, सबसे ज्यादा बच्चों को अगर कहीं इससे मदद मिल रही है तो वो राजस्थान के अंदर। ये भी अपना एक बहुत बड़ा काम आपके सामने आपको देखने के लिए हम मैंने मुझे बड़ी खुशी की हुआ है। फिर सड़क की बात करो, सड़क के ऊपर तो भाइयों हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पैसे भी खर्च कर लिए हैं, अभी मैं देख रही थी तो करीबन 3 साल के अंदर 12,509 करोड़ रुपया खाली सड़क के ऊपर खर्च हुए हैं, और पिछली गत सरकार के 5 वर्ष के अंदर इन लोगों ने 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 3 साल के अंदर 12,000 और 5 साल के अंदर 14,000 करोड़ खर्च हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भरतपुर के अंदर जो सड़क निर्माण हुआ है वो आपके नए सड़क का निर्माण है, गौरवपथ जो आपके ग्रामीण है वो 85 हो गए, इस साल 78 होंगे, और आपके मिसिंग लिंक वगैरह इसको सबको आप अगर ले लेते हो तो करीबन 631 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है सिर्फ इसी में, और नवीन सड़क जो आपकी है वो 202 करोड़ की है, और अभी जो नवीनीकरण का कार्य हुआ है वो करीबन आपके 50 करोड़ रुपए का नवीनीकरण का काम यहाँ हो रहा है, जिसका फायदा अगर फिर आपको होगा। बड़े सड़क जो है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी, भरतपुर हरियाणा हिंडौन गंगापुर सिटी, ये 340 करोड़ रुपए 210 किलोमीटर हमारे राजस्थान में आता है, करौली भरतपुर इसमें आता है 51 किलोमीटर, भरतपुर डी का काम पूरा हो गया है 136 करोड़ रुपया हम लोगों ने इस पे खर्च किया है, बाड़ी बसेड़ी बयाना बैर भुसावर छोकरा
साथ खेल ली। इसका काम प्रगति पर है, 306 करोड़ रुपया इस पे खर्च हो रहा है और भरतपुर मथुरा इसके ऊपर 14 करोड़ खर्च करके हम लोगों ने आरओबी भी बनाने का काम चालू कर दिया। मुझे लगता है कि मार्च महीने तक वो खत्म हो जाएगा। इसका 14 करोड़ रुपए का खर्चा है। टोटल अभी तक आपके 1737 करोड़ रुपया सिर्फ सड़क के ऊपर हुए हैं। और फिर मैं उसमें ये नहीं गिन रही हूँ कि जो आपके ऑफिस बने हैं वो अलग अलग आपके ऑफिस बने हैं। और अब मैं आपको ये घोषणा करना चाहती हूँ कि खेड़ली से लेके पहाड़ी तक 106 करोड़ रुपए से लेके आपका ये एलओए शुरू हो गया है, उसका फायदा आप लोगों को मिलने जाएगा। गोवर्धन के अंदर 56 करोड़ रुपए का छोटा मोटा हमने लाइट लगाने का काम, टॉयलेट बनाने का काम वो तो कर दिया है, पर 36 करोड़ रुपए का भी बस स्टैंड और भी काम जो वहां कर रहे हैं वहां करेंगे। और 199 करोड़ रुपए मैंने 200 करोड़ रुपए का बजट के अंदर मैंने खाली 100 करोड़ रुपए बताया था, पर ये इतने सारे आपको मैंने 200 करोड़ का रास्ता आपको बनाई जाने वाला है। ये भी मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है, मैं उसका बता दूं। केंद्रीय सड़क निधि के अंदर सैंत से नेरा यूपी सीमा तक कोंडड़ा बहज डींग खो बद्री बोरोली धौ केदारनाथ जी मंदिर लोहेसर भोजनकारी ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का आपका इतना बड़ा काम होने जा रहा है। नया नेशनल हाईवे आपका झिरका से लेकर फिरोजपुर, ये आता है नगर और बाड़ी बसेड़ी हिंडौन मंडराय सबरगढ़, इसमें 210 किलोमीटर राजस्थान के अंदर 52 किलोमीटर भरतपुर के अंदर है। इसका डीपीआर किया गया है और मैं समझती हूँ कि इसका काम भी आपको बहुत जल्दी देखने को अब मिलेगा। ये तो खाली सड़क का काम आपको मैं बता रही हूँ। ऐसे मैंने कहा रिपोर्ट कार्ड आपको देना है तो सड़क के अंदर गौरव पथ ये सब आपको हो जाएंगे, इसका फायदा आपको आगे मिल जाएगा। कृषि के अंदर आपने जयपुर के अंदर देखा होगा कि जैसे रिसर्जन राजस्थान हमने किया वैसे ही हमने ग्राम हमारे किसानों के लिए किया। 4,400 करोड़ रुपए के एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हुए। और भाइयों मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने लगातार हमको ये कहा कि ये इतना अच्छा काम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाओ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगले साल हम इसको 4 संभाग के अंदर ले जाने की घोषणा करते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बड़ी में आपके परीक्षण 72,000 काश्तकारों का काम बना है। और फसल बीमा योजना के अंदर जो पटवारी गिरदावरी कृषि पर्यवेक्षक लोग हैं उन सबको राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकरण करने के लिए 16,250 टैबलेट हमने करवा दिए जो करीबन 28 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इस टैबलेट के माध्यम से किसानों का मुआवजा और जो नुकसान हुआ है वो जल्दी से देख के जितना समय आज लग रहा है उसको आधा करके किसान को अपने पैसे पहुंचाने का काम हम लोग कर सकेंगे, इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बढ़िया और अच्छा काम है। इसी तरीके से भाइयों बिजली के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगी 80,000 करोड़ अगर किसी भी कंपनी को कर्जा मिलता तो वो कंपनी ताला लगा के घर चली जाती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज आपको घरेलू बिजली मिल रही है, आपको किसानों को बिजली मिल रही है। मैं खाली आप लोगों को आज इतना कहना चाहूंगी कि इस परिस्थिति बहुत ही संकट की है। ऐसा भी हो सकता है कि इतना घुटने के बाद बिजली का विभाग बैठ जाए। हम लोग अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, परंतु आपकी भी मदद हमको जरूरी है। ऐसे अगर हम लोग नहीं साथ मिलकर नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझती हूँ कि बिजली हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आज के दिन आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 4,000 करोड़ रुपया भरतपुर को जा रहा है। आपको ये भी चाहे बताना चाहूंगी कि बहुत सारा पैसा जो आप लोगों को आज मिल रहा है वो शायद पिछले राज्य में नहीं मिला था। हमने बताऊं कि कांग्रेस के सरकार के अंदर चिकित्सा में 6,556 करोड़ आपको मिले थे मैंने 5 साल में, और 3 वर्ष में आज हमने 7,209 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। इसी तरीके से आप लोगों को ये बता दूं रोजगार के अंदर आज 11 लाख लोग 75,000 को रोजगार मिला, जहां 6,90,000 को रोजगार तब मिला था। रोजगार मिले आप क्या हो रहे हैं, और मैंने सबको कह दिया है कि ज्यादा से ज्यादा
का रोजगार मिले करो ताकि लोगों को फायदा यहां मिले। पशुपालन के अंदर तीन वर्ष में 295 करोड़ रुपए खर्च हुए जबकि 5 साल में कांग्रेस के 323 करोड़ रुपए यहां खर्च हुए हैं। और किसान का ऋण 3 साल के अंदर 46 हजार करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ है जबकि कांग्रेस के 5 वर्ष के अंदर सिर्फ 43 हजार करोड़ का ऋण वितरण हुआ है। अरे भाइयों, आप लोगों के बीच में कांग्रेस वाले रोज रोज आते हैं, कुछ ना कुछ कुछ भी जो मन में आया वो कह के चले जाते हैं। हमारी आदत नहीं है कि हम लोग उन लोगों के बारे में कुछ कहें, परंतु मैं ये मानती हूँ कि मैंने सबको कह दिया कि हमने जो भी काम आपके लिए किए हैं वो अखबार में भी दे दिया जाए, बोर्ड पे भी लगा दिया जाए, और आपको जब भी कुछ देखना है आप जाके बोर्ड को देख लेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वाकई में इतना काम इस क्षेत्र के हुआ है। लोग तो बोलते जाएंगे, उनको अपन रोक नहीं सकते, पर अगर आप और हम मिलके जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि 3 साल के अंदर काम हुआ है, आने वाले समय के अंदर भी हम काया पलट यहाँ कर सके। हमने आपको एक वायदा किया था सुराज संकल्प के समय, और आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका प्यार और आपका विश्वास यहाँ पूंजी है। हमारी इस पूंजी के लिए हम लड़ने मरने को तैयार हैं। आपके प्यार के ही हम लोग सब भूखे हैं और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप तो प्यार देते रहो, हम दौड़ते रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे कि राज करने के यहाँ बैठने के लिए नहीं, परंतु आपके सेवा करने के लिए हम आप लोगों के बीच में हैं। मेहनत करेंगे, मेहनत किए और मेहनत का फल आपके सामने भी रखा है। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर भी जो प्यार अभी तक आपने दिया है उसी तरीके से आप प्यार दें, आप विश्वास दें और पूरी तरह से सहयोग देने में पीछे नहीं हटे। आज गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां जन्मदिन है, प्रकाशोत्सव है। इस अवसर पर मैं सब पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और आप लोग सबको यहाँ जो भी बैठे हुए हैं उनको इतना ही कह के अपनी बात को विराम दूंगी कि ये जो भी है वो आपकी वजह से है। आप ही लोगों ने हम लोगों को यहाँ बिठाया है और हमारा काम है आपकी सेवा करने के लिए, वो हम करेंगे। आप तो हम पे विश्वास रखिए और प्यार देने में कोई कमी न छोड़िए। आप सब लोग यहाँ आए उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आपको धन्यवाद कि आप आते रहे हो, साथ देते रहे हो, किसी ने कमी छोड़ी नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगी। आपको मैं ये भी कह दूं कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है कि राजस्थान इतने जल्दी से आगे बढ़ रहा है। आपको सबको सतर्क रहना पड़ेगा और हम लोग सबको मिलके कोई भी लोग परेशानियां जातियों के बीच में, मजहब के बीच में कराने की कोशिश करते हैं तो उसको विफल करने में हम सबको मिलके वो करना पड़ेगा। 36 को ये पूरा एक परिवार है, इस परिवार की ताकत है जो राजस्थान को आगे ले जाएगी। बस आप इस परिवार का साथ देंगे तो मैं कहती हूँ आओ साथ चलें और हम लोग मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने में पूरी अपनी ताकत लगा दें। मेरे साथ एकदम जोर से आप लोग बोलेंगे जय जय राजस्थान।